आपको बनाना सीखा, सीट बनाना आता सभी को, एक्सेल सीट बनाना आता नहीं आता क्या? तो ग्रेड रैंक को कैसे निकाले? आता है। अब इसके अंदर रो की संख्या कितनी है? रो की संख्या 10 लाख 48,576 10,48,576 और कॉलम की संख्या 16,384 कैसे पता चलेगा? आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना, जैसे यहाँ पर जाओगे ऊपर लिखी हुई आ रही है, लिखी हुई आ रही है, तो यहाँ से आप देख भी सकते। अब मैं इस कॉलम के अंदर हूँ, मेरे को सबसे लास्ट वाले कॉलम में जाना है, तो क्या करूँगा? 10,48,000 ऐसे तो मैं ऐसा टाइप करूँगा तो टाइम लगेगा ऐसे, तो मेरे को क्या करना है? है तो मैं कैसे करूँगा कि मेरे को डायरेक्ट 10,48,576 पे जाना है? कंट्रोल के साथ डाउन एरो, एरो नहीं डाउन एरो, जैसे मैं डाउन एरो करूँगा तो कहाँ आ गया? सबसे लास्ट। और अप एरो ऊपर। अब मेरे को कॉलम की संख्या देखनी, कंट्रोल के साथ राइट एरो, लास्ट में XFD, उसके बाद वापस फर्स्ट पे, यानी कि इस प्रकार भी आप इसको देख सकते हैं। ये रहता है आपका इसके अंदर रो और कॉलम की संख्या। लेकिन सबसे पहले हमारे पास एक सीट बना लेते हैं छोटी सी, और सीट के अंदर लिख देते हैं SR नंबर, सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर फार्मूला सभी को याद है, एक तो फार्मूले से लिखेंगे तो क्या फ़ायदा, और डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या फ़ायदा? अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ तो कोई नुकसान है? नुकसान। क्या नुकसान है? जैसे यहाँ पर है ये, इसका कोई नुकसान है क्या? नुकसान। कोई नुकसान नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें नुकसान वाली बात ये है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा 14 नंबर, ठीक है, इसको मैं जैसे ही डिलीट करता हूँ, होम टैब से जाऊँगा, यहाँ से डिलीट करूँगा तो 14 नंबर गायब हो जाएगा। लेकिन मेरे को क्या चाहिए यहाँ पर? 14, 13 के बाद 14 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या है बताना कोई? बराबर, चलो रो कोष्टक बंद, माइनस रो कोष्टक, है चलो भाई डॉलर ए क्यों लिख रहा हूँ कोई बता सकता है? क्योंकि हमारे पास सीरियल नंबर कौन सा है? ए। अगर डी में होता तो डी लिखती, ध्यान रखना। कई बार क्या रहता कि यहाँ पर संख्या लिखते और लिख देते ए, क्योंकि सर ने तो ए पढ़ाया था, लेकिन जिस कॉलम के अंदर है उसी का ही लिखा जाता, ये ध्यान रखना। उसके बाद लिख दो ए, कैपिटल में ए लिख दो, उसके बाद वापस डॉलर, उसके बाद एक आ गया, अब आएगा कोष्टक, अब करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद आपको यहाँ से पकड़ कर यहाँ पर दो बार क्लिक कर दो, अपने आप पूरा हो जाएगा। अब आप देखना यहाँ पर 13 है, 14 है और 15 है, लेकिन अब 15 के आगे मैंने कुछ डाटा लिख दिया। अब मेरे को डाटा को डिलीट करना, लेकिन ये नंबर आने चाहिए, डाटा को डिलीट कर रहा हूँ लेकिन नंबर आने चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? सेलेक्ट और कट, लेकिन 15 नंबर यहीं पर है, कहीं गया नहीं है। अब आप जैसे देखेंगे इसके अंदर फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आपको देखना है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ तक तो ठीक है एक एक नंबर है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 10, 11, दो दो अंक आते हैं, लेकिन मेरे को इसके आगे जीरो लगाना है। क्या लगाना है? जीरो। ये तो फॉर्मूले में चलेगा, तो फॉर्मूले में अपन जीरो लगा नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे, जैसे ही मैं यहाँ पर करूँ, अब मैं यहाँ पर 1, 2 फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकता? एक कॉलम के अंदर एक फॉर्मूला लगेगा, ये ध्यान रखना। अब आपको यहाँ पर जो संख्या दिखाई दे रही है इसके आगे मेरे को जीरो लगाना है। अब मैं जैसे देखो यहाँ पर मैं 0, 0, 1 टाइप कर रहा हूँ, टाइप किया, जैसे ही मैं दूसरे में गया जीरो गायब, लेकिन मेरे को तो जीरो चाहिए, तो हम कैसे करेंगे? किसी को पता है? है? पता है किसी को? नंबर से उसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एक। जैसे कंट्रोल एक करेंगे तो क्या आएगा? ये वाला। अब जाएंगे कहाँ? कस्टम। और जनरल की जगह क्या लिखेंगे? जितने जीरो लाने इतने जीरो आप लिख दो, ठीक है। अब मेरे को 02 लाने, एक तो संख्या होगी और दूसरा एक जीरो आ जाएगी। जैसे मैं एंटर करूँगा
अब देखना, अब जीरो हटेगा नहीं, हट रहा है क्या? नहीं हटा, यानी कि इस प्रकार भी इसके अंदर आप जीरो ला सकते हैं। ले आओगे? अब फुल सीरीज में कर दो यहाँ से, देखो अब जीरो इसके आगे आ गया, यानी कि इसके आगे जीरो भी हम ला सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला हुआ ये? ये देखो छोटे 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 जितने भी फॉर्मूले हैं ना, ये अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। अब आपने देखा होगा कंट्रोल ए के साथ अपने फॉन्ट के अंदर कुछ किया था, सुपर स्क्रिप्ट याद है, एक के अंदर किया था कि आपको प्रतिशत लगाने या फिर करेंसी लगानी या फिर आपको पीस लगाने, तो भी लगाते हैं कॉलम के अंदर, तो वो हम कैसे लगाते थे? कंट्रोल एक के साथ। लेकिन आपको हर जगह अलग अलग तरीके से इसका यूज किया जाता है, यानी इस प्रकार भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये है आपका फर्स्ट फॉर्मूला इसके अंदर। अब मेरे पास क्या है, जैसे इसको मैं कर देता एक बार डिलीट, ठीक है, अब मेरे पास एक सीट बना लेते हैं, इसमें बना लेते हैं नाम वाइज, जैसे मैंने लिख दिया नाम और फादर नेम, ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट मैंने एक लिख दिया, मेरे को पांच एक साथ लिखना, तो कैसे लिखूंगा? पकड़ के खींचना, यहाँ से पकड़ दो और यहाँ तक जितने चाहिए इतने खींच लो, अपने आप हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, जैसे कि आपका नाम क्या है? गणपत, ठीक है, ये हो गया गणपत। उसके बाद आपका नाम क्या है? हरीश, रमेश। उसके बाद श्रवण, नाम सही हो रहे। उसके बाद कांतिलाल, ठीक है, उसके बाद प्रताप देवासी, प्रताप अतः गुना बकरा नहीं लिख रहा मैं, सही है, सगदा। उसके बाद प्रमुख, उसके बाद कैमरा मैन, उसके बाद अंबाराम, उसके बाद रमेश, उसके बाद हरीश, उसके बाद इंदिरा, उसके बाद नारंगी, नारंगी, उसके बाद अलका, उसके बाद है पिया, है चलो भाई अमृत जी, और कितने हो गए? 16, ठीक है, इतने बहुत नाम है, ठीक है, 16 हो गए ना, हाँ। अब इनके फादर नेम क्या लिखे, जो भी आप वापस कॉपी पेस्ट कर दो इनको, सेम के सेम, लिखने की झंझट मत। अब देखो आपके पास एक रास्ता है, अब मैं या तो इसको कॉपी करूं या फिर इसका दूसरा रास्ता कौन है, कोई बता सकता है? मैंने बताया था शुरू होने से पहले, किसी को याद हो तो कॉपी पेस्ट नहीं करना, मेरे को क्या किया, कॉपी पेस्ट करेंगे, अब मैं वापस हटा देता इसको, ठीक है। अब कॉपी करेंगे तो आपको यहाँ पर एक सिंबल दिखेगा, जैसे कॉपी करूँगा यहाँ से तो आपको बॉर्डर दिखेगा, लेकिन दो बार मैं क्लिक करूँगा तो कॉपी हट जाएगा, कॉपी हट गया, लेकिन मेरे को ये वापस पूरे के पूरे एक साथ नाम इसके अंदर डालने, लेकिन कॉपी किए हुए अभी यहाँ पर नहीं, तो मैं क्या करूँगा देखना, कंट्रोल के साथ आर आ गया, कंट्रोल के साथ आर, तो अपने आप आ जाए। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दो, डाल दिए, सही है नंबर, चलो भाई नंबर सही है, सबके डाल दिए, ठीक है। अब फुल सीरीज में कर दो, अपने आप नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर लिख देता हूँ 25, 23, क्या हुआ? किसके अंदर? अच्छा 236 हो गए, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इन सभी को इन सभी के अंदर लिखना, तो मैं कैसे लिखूंगा एक साथ? अब शॉर्टकट की यहाँ पर है कंट्रोल डी आ गया, यानी इस प्रकार भी इसके अंदर लिख सकते हैं।
ये शॉर्टकट की सूत्र भी मानो तो सही है और शॉर्टकट भी मानो तो भी सही है, क्योंकि इसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होता है। तो इस प्रकार भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी संख्या को मैं कर लेता हूँ अलग अलग टाइप में, फुल सीरीज में कर लेते हैं। फुल सीरीज में आए क्या, मज़ा नहीं आया? चलो ये ठीक है, ये हो गया अपना कंप्लीट। अब मेरे को क्या करना है, इसके अंदर पहले तो बॉर्डर बना लो। बॉर्डर बनाना सभी को आता है, सेलेक्ट कर दो और बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। अब इसके अंदर पहले तो मेरे को डाटा वैलिडेशन लगाना। अब डाटा वैलिडेशन क्या होता है, आपने कभी कोई फॉर्म भरा गवर्नमेंट की योजना का या कोई प्राइवेट सेक्टर का? तो आपने इसमें देखा होगा स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, गांव का नाम एक लिस्ट के अंदर ऑटोमेटिक आता है। एक साइड में एक आइकन होता है, उसमें ऑटोमेटिक पूरा पूरा आ जाता है। तो वो हम कैसे करें? अब माना कि मेरे पास ये सीट है, इसके अंदर मेरे को डाटा वैलिडेशन लगाना है। और डाटा वैलिडेशन ऐसा कि इस एक कॉलम के अंदर जैसे ही साइड में कॉमा का ऑप्शन, सॉरी एक तीर का आइकन आएगा, उसमें मैं जैसे ही देखूंगा तो उसकी लिस्ट आनी चाहिए जितने भी नाम है उनके। तो वो कैसे करें, आप ध्यान से देखना। अब आपको सबसे पहले जाना है यहाँ पर इस कॉलम के अंदर, जहाँ पर भी आपको डाटा वैलिडेशन लगाना है। अब यहाँ गए, अब जाना आपको डाटा वैलिडेशन। ध्यान रखना एक्सेल मिक्स में चल रहा है, गड़बड़ ना हो जाए कहीं, आया समझ में? अब कहाँ जा रहे हैं, डाटा के अंदर, डाटा वैलिडेशन यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर डाटा एंड टूल के अंदर, डाटा टूल्स के अंदर। जैसे आप यहाँ जाओगे तो इस प्रकार की आपको लिस्ट मिल जाएगी। अब आपको यहाँ से क्या करना, लिस्ट को सेलेक्ट करना। अब लिस्ट को सेलेक्ट यहाँ पर करेंगे, अब सोर्स कहाँ से, तो आपको यहाँ से पकड़ लो और यहाँ से कर लो। कहाँ तो हुआ, आधा हुआ, मज़ा नहीं आया, वापस। अब यहाँ से पकड़ कर यहाँ तक आप इसको खींच लो, कर दिया कंप्लीट। अब कर दो ओके। अब आपको खाली कॉलम दिख रहा है, लेकिन आप साइड में एक आइकन देख रहे हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे जितने भी नाम है वो सब इसके अंदर आ चुके हैं। आगे नाम सब गए, आप यहाँ से भी ले सकते। आपको क्या करना, जैसे ये नाम लिया, अब मेरे को क्या करना, जैसे ही यहाँ पर ये नाम लेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कलर चेंज होना चाहिए। जिसका नाम गणपत है उसका कलर चेंज होना चाहिए। तो वो हम कैसे करें वो भी देखेंगे। अब एक आपके पास ये रास्ता रहता है कि आप जैसे ही गणपत नाम आया तो यहाँ पर गणपत नाम कहाँ है, सबसे ऊपर। यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको कलर दूंगा। कलर देने के लिए आप यहाँ जाएंगे, यहाँ से भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो ऐसे। लेकिन मेरे को क्या करना, सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन से करना है, जो नाम मैं सेलेक्ट करूँ। अब गणपत है, इसकी जगह मैं करूँगा कांति, तो कांति के ऊपर कलर चेंज होना चाहिए, इसके ऊपर हट जाना चाहिए। तो वो हम कैसे करें वो हम देखेंगे इस ऑप्शन के द्वारा। अब आपको क्या करना है, ध्यान देना, सबसे पहले आपको सीट को सेलेक्ट करना है। सीट को सेलेक्ट कर दिया कंप्लीट। अब आपको होम पेज के अंदर ही रहना, होम पेज के अंदर जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब इसके अंदर भी ऑप्शन रहता है आपका न्यू रूल, कहीं दिखाई दे रहा न्यू रूल? जैसे यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर एक न्यू रूल का ऑप्शन आ जाएगा, न्यू रूल्स का ऑप्शन। जैसे यहाँ पर जाएंगे तो ये इस प्रकार का ऑप्शन आएगा आपके सामने। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जो आपको ऑप्शन दिखाई देने में से सबसे लास्ट है, यूज फॉर फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। ये कह रहा है कि किस फॉर्मेट का कौन सा कलर देना, उसके हिसाब से ये चलेगा। अब जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये पूछेगा कि आप अब सेलेक्ट करो किसको, सेलेक्ट सबसे पहले आप सेलेक्ट करो इसको जो आपने डाटा वैलिडेशन लगाया। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो आपको यहाँ पर डॉलर के अंदर ये सिंबल के अंदर यानी लॉक हो जाएगी। अब आपको करना है बराबर, जैसे ही बराबर करेंगे अब ये बोल रहा है कि सीट कहाँ पर है आपकी। अब सीट ये ध्यान देना कि पूरी सीट के अंदर, पूरी सीट को सेलेक्ट नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ से सेलेक्ट करना है ये वाला, सेलेक्ट कर दिया। अब आपको यहाँ से ये डॉलर हटा देना है, डॉलर हटाने के लिए सेलेक्ट करो, एक डॉलर को हटाना है, सभी को नहीं हटाना, डॉलर को हटा दिया। अब आपको कलर कौन सा देना, तो आपके पास फॉर्मेट ऑप्शन है, जैसे फॉर्मेट में जाएंगे अब आपको यहाँ पर कलर कहा गया, ये कलर है, इनमें से कलर जो चाहते वो कलर आप चूज कर लो। जैसे कि मैं यहाँ से कलर चूज कर लेता हूँ ये वाला, जो आपको कलर पसंद है वो यहाँ से चूज कर लो। चूज करने के बाद आप यहाँ से ओके दे दो, जैसे ओके देंगे अब ये आपको इस प्रकार दिखेगा। अब जैसे ओके देंगे जिसका नाम है वहाँ पर कलर ऑटोमेटिक आ गया, आ गया कलर। अब माना कि मेरे को कलर गणपत का नहीं चाहिए, मेरे को तो चाहिए प्रमुख का। जैसे प्रमुख को सेलेक्ट करेंगे तो
गणपत के नाम से कलर हट जाएगा। कैसे हट गया? यानी कि इस प्रकार भी कलर हम चूज कर सकते हैं। कई बार क्या रहता है कि आपके आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट होती है, उसके अंदर आपको डाटा वैलिडेशन लगा के दिया जाता है और बोला जाता है कि आप इसके अंदर जो नाम मैं बताऊँ उसको सेलेक्ट कर करके मेरे को बताओ कि इसके अंदर कितनी एंट्री हो रखी, उसको कितना पेमेंट दिया हुआ, कितनी सैलरी बाकी है, कितना पेड है, सब उसकी डिटेल देना। किसी ने बोल दिया कि माना कि 1000 स्टूडेंट है, उनमें से 5 स्टूडेंट फेल हो चुके, लेकिन फेल कौन कौन से सब्जेक्ट हुए? जैसे कि यहाँ पर मान लिया कि इसका नंबर आया 0, ये भी 0 आया और यहाँ पर भी 0 आया और यहाँ पर माना कि 2 नंबर आए, ठीक है। अब यहाँ पर इसके नंबर आए 1, तो ये बंदा फेल है। तो लिस्ट में आपके पास लिस्ट होगी, क्लास के अंदर तो लिस्ट अलग अलग होती है। सर माना कि इस क्लास के अंदर 2 लड़के फेल हो गए। अब 2 लड़के कौन कौन से हैं? आपको पता होगा कि रमेश नाम का लड़का है, तो यहाँ पर जाओ, डायरेक्ट यहाँ जाना आप। जैसे यहाँ पर रमेश नाम का लड़का दिखे तो देख लो, अब जहाँ जहाँ रमेश होगा वो आपको दिख जाएगा, जहाँ जहाँ होगा रमेश वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब पता कर सकते हैं कि बंदा कौन सा फेल हुआ है, तो यहाँ से दिख जाएगा कि कौन सा रमेश फेल हुआ है, कि ये वाला रमेश, तो इसके नंबर कम आए तो फेल। यानी कि इस प्रकार भी इस लिस्ट को हम तैयार कर सकते। यदि आपके पास ये रास्ता रहता है कि मेरे को तो ये कलर नहीं चाहिए, अलग तरीके से चाहिए यहाँ पर, तो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन ये पूरा का पूरा कॉलम यानी रॉ के अंदर होगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इसके अंदर ही कर सकते। अगर आपको पूरे के अंदर करना है तो आप जितनी सीट बड़ी उतनी सीट को सेलेक्ट करके डाटा वैलिडेशन लगा दो और कर लो। अब हमने सीट को कितना सेलेक्ट किया था? सिर्फ इतना, तो इतने के अंदर ही कलर लगेगा। ऐसे समझे कर लोगे? क्या करना सबसे पहले बताओ, कोई बता सकता है? अब सीट आपने बना दी, ठीक है। अब आपको सिंपल सा क्या करना है, सीट को सेलेक्ट, आगे क्या करेंगे बोलते जाओ, फटाफट बोलो। डाटा वैलिडेशन अपन कर दिया पहले, अपन को अब डाटा वैलिडेशन नहीं करना, डाटा चलो डाटा वैलिडेशन कर। अब यहाँ पर आए, अब डाटा वैलिड कहाँ क्या करना पड़ेगा आप बताओ फटाफट। चलो भाई डाटा वैलिडेशन के अंदर यहाँ गए, अब यहाँ से लिस्ट, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, नाम आएंगे। अगर आपके पास लिस्ट बड़ी है तो आप डायरेक्ट ऊपर से सेलेक्ट कर लो। अगर माना कि मेरे को इस सीट को आगे भी बढ़ाना है तो डायरेक्ट सेलेक्ट कर लो और कर दो ओके। अब देखना, ठीक है। अब जो लिस्ट में नाम है, नीचे लिस्ट में नाम नहीं है, यहाँ पर खाली है। खाली क्यों है? जैसे ही यहाँ पर 17 नंबर पे मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे ही मैं 17 नंबर पे कुछ लिखता हूँ और नीचे लिखता जाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ बहुत सारा डाटा लिख दिया मैंने। अब जितने भी डाटा मैंने लिखे वो सब के सब आपको डाटा वैलिडेशन इसके अंदर मिल जाएंगे। मिल रहे सब? जो भी आपने नाम लिखे सब के सब मिल रहे हैं। अगर पूरी सेलेक्ट करते हैं तो यदि आप सिर्फ यहाँ से लगाकर यहाँ तक ही करते हैं तो यहाँ तक सीमित रहेगा, ये ध्यान रखना। अब देखना, अभी डाटा वैलिडेशन हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर नाम आ चुका कंप्लीट, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे? डाटा वैलिडेशन कंप्लीट, अब कहाँ जाएंगे? होम के अंदर। चलो होम के अंदर अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद न्यू रूल, उसके बाद लास्ट वाला, उसके बाद अब सेलेक्ट किसको करूंगा मैं, कौन सा, कोई भी कैसे आएगा? अब आपने जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बनाया यानी कि जो डाटा वैलिडेशन लगाया है उसको सेलेक्ट करना पहले, ये वाला कर दिया। अब इक्वल वापस, अब किसको सेलेक्ट करूंगा? सिर्फ नाम को यहाँ से। अब डॉलर को हटाना, पक्का हटा दिया। अब फॉर्मेट, अब कोई भी कलर ले लो, जैसे कि यहाँ से कलर मैं ले लेता हूँ ये रेड वाला, ठीक है। अब ओके, उसके बाद ओके आ गया। अब जैसे ही मैं इसके अंदर कलर चेंज करूँ, अब रमेश नाम है, अब मैं सकदाराम करता हूँ तो इसका चेंज हो जाएगा। इसके अंदर वो हट जाएंगे, क्योंकि दो फॉर्मूले एक के अंदर काम नहीं करेंगे एक नाम पे, ठीक है। अब मैं जैसे ही यहाँ पर इसको दूसरा लाता हूँ, हरीश लाता हूँ, तो सगदा का तो कलर रहेगा,
लेकिन अगर उसी नाम से अगर लाते हो तो कलर हट जाएगा, ये ध्यान रखना। तो आप इस प्रकार भी इस सीट को बढ़ा सकते, बढ़ा दोगे पक्का, सही है, समझ में आया कुछ? क्या पता है, भूल गए, पता नहीं क्या बनाया, खिचड़ी हो रही है ना, है हजम आया? फॉर्मूला अभी शुरू हुए हैं, कृपया करके ध्यान बनाए रखना, नहीं तो आपका ध्यान भटक जाएगा, क्यों फॉर्मूले अभी तक कम ही सीखे अपना। अब की बार प्लान इतना बड़ा है कि फॉर्मूले सीखने का पूरा एक्सेल फॉर्मूले पे अपन टिके रहेंगे, बाकी वाला तो हम बाद में देखते रहेंगे, बाकी वाला इतना है कि जो पढ़ रखा हमने वो वापस से सहन। अपन ज़्यादातर फॉर्मूलों पर ही जोर देंगे, ज़्यादा फॉर्मूलों पर ही जोर देंगे, बाकी जैसे कि अभी डाटा वैलिडेशन लग गया, अब यहाँ पर जाओ सेम है, कल अपन पढ़ेंगे इसको डाटा वैलिडेशन पूरा, मस्त मज़ेदार टॉपिक है।